आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया डिवीजन मिलने के बाद आज दूसरी बार मौका मिल गया 0R में। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का जो ट्रिब्यूनल बिल जो अभी आया अध्यक्ष जी 2019, इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि 1966 में पंजाब जो कंबाइंड पंजाब था तो उससे हरियाणा अलग हुआ था। उस समय में ये समझौता हुआ था कि रावी सतलुज वहां पर जो नदी है उसका पानी जो है वो हरियाणा को दिया जाएगा। उसके तहत अध्यक्ष जी ये 214 किलोमीटर का ये डिसाइड हुआ था कि 92 किलोमीटर जो है वो हरियाणा बनाएगा नहर, क्योंकि वो SYL के नाम से फेमस है, सतलुज यमुना लिंक की, वहां पर वो लिंक जो है नहर बनाई जाएगी क्योंकि नदी जो है हमारे हरियाणा में है नहीं। तो उसके तहत ये आप ये देखिए कि 1966 से लेकर अध्यक्ष जी 1971-76 उसके बाद 81 में जो प्रधानमंत्री हैं उस समय के प्रधानमंत्री थे उनके साथ समझौता हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले गए पंजाब भी हरियाणा भी, वहां से फिर वापस समझौता हुआ 1984 में जो लोंगोवाल समझौता कहा जाता है, फिर यहां पर ये डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर दोबारा गए। आप ये देखिए आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेवर में आ चुका है डिसीजन, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को भी पंजाब नहीं मान रहे। तो मेरी जल संसाधन जो मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय उनसे मेरी ये दरखास्त है, उनसे ये मेरी विनती है कि SYL जो है वो बड़ा जबरदस्त मुद्दा है हमारे हरियाणा के लिए, अगर जल शक्ति मंत्रालय जो हमारा वो इंटरवीन करके और उनको बोले कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो कम से कम माने, आपस में हम प्यार प्रेम से पड़ोसी हैं, हम अगर इस तरह से अगर हम करेंगे, आप देखिए 1966 लेकर आज तक जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो कम से कम पंजाब को मानना चाहिए। पर्वत नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।